ओके दोस्तों, सो बहुत से लोग काफी दिनों से मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि अब लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं आते, क्या आगे लॉन्ग वीडियोस का कोई प्लान है कि नहीं, या अब आप ओनली शॉर्ट्स क्रिएटर ही बन चुके हो। तो उसका जवाब मैंने कुछ हफ्ते पहले कम्युनिटी पोस्ट में दिया था और ये भी बताया था कि जैसे शॉर्ट्स रेगुलर आते हैं वैसे ही कुछ दिनों के बाद लॉन्ग वीडियोस भी आने लगेंगे। और एज प्रॉमिस लॉन्ग वीडियो हाजिर है बिल्कुल नए एपिसोड के साथ, जिसका नाम है सुपर अपडेट। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम पॉप कल्चर से रिलेटेड सारे अपडेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, चाहे वो मूवीज हो, वेब सीरीज हो, एनिमेशन हो, या इवन कॉमिक्स भी क्यों ना हो। और साथ ही मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देके टाइम स्टैम्प भी दूंगा दोस्तों, ताकि आप अपने पसंदीदा टॉपिक पे डायरेक्ट जंप कर सकें। वैसे सुपर अपडेट्स को मैं हर सैटरडे पोस्ट करना चाहता था, पर पहले ही वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण इसे मैं संडे को ही पोस्ट कर रहा हूं। बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को ही लाइव हो जाए। बट एनीवेज आई होप कि ये एडिशन आपको पसंद आएगा। सो शुरू करते हैं दोस्तों सुपर अपडेट्स का पहला एपिसोड ना किसी देरी के। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। सो इस सीरीज के सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं उन दो फिल्मों के साथ जो इन दिनों बिल्कुल हॉट टॉपिक बने हुए हैं, फिर चाहे वो टॉपिक नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 की, जिनके बीच इन दिनों कॉम्पिटिशन का माहौल बना हुआ है, जो की बॉक्स ऑफिस के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अब धीरे धीरे लोग ये सवाल करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर एक हिट फिल्म के दम पर कितने यूनिवर्स और सीक्वल्स बनाए जाएंगे। और ये डिबेट इसलिए भी हो रही है क्योंकि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों ही फिलहाल अभी थिएटर में रिलीज नहीं हुए हैं। लोगों ने अपना वर्डिक्ट सुनाया भी नहीं है कि ये दोनों फिल्में हिट होंगी या फ्लॉप होंगी, पर उसके बावजूद भी अभी से ही इनके नेक्स्ट पार्ट की भी चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, भूल भुलैया 2 और 3 के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कन्फर्म किया कि वो भूल भुलैया के 4th इंस्टॉलमेंट पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। और इतने नहीं, इवन कार्तिक आर्यन को भी इसके लिए साइन किया जा चुका है। डायरेक्टर अनीस बाजमी के हिसाब से भूल भुलैया 3 कमाई के मामले में 1 और 2 दोनों का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और आज के समय में ये लोगों की पसंदीदा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। ओ स्त्री अभी ना हंसना, और इसीलिए ये लव फिस्ट कंटिन्यू चलता ही रहेगा। हालांकि उन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि इसका 4th पार्ट किसी बड़ी जिम्मेदारी की तरह है, जिसे बनाना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक उसी तरह जितना भूल भुलैया 2 को देखकर हमारे लिए हंसना मुश्किल था। वैसे अनीस जी को इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि पब्लिक भी अब यही बोलने लग गई है कि अरे भाई बस करो, अब थोड़ा तो ब्रेक लगा ही लो, आखिर एक ही गन्ने से कब तक उसका रस निकालते रहोगे। ठीक है, दिवाली की छुट्टी में हर तरीके की फिल्में चल जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप गन्ने की जान ही ले लो। वैसे ऐसे ही कुछ किस्सा सिंघम यूनिवर्स का भी चल रहा है। हालांकि यहाँ से तो कोई ऑफिशियल न्यूज आउट नहीं हुआ है, बट कुछ कंफर्म सोर्स के हिसाब से इसके मेकर्स अभी से सिम्बा 2, सूर्यवंशी 2, लेडी सिंघम, छोटा सिंघम, बड़ा सिंघम, मंझला सिंघम, बेबी सिंघम, टडलर सिंघम, स्पर्म सिंघम, तलपड़े वर्सेस सिंघम, सिंघम इन मल्टीवर्स और सिंघम 4 की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। खैर वैसे ये तो ऐसी न्यूज थी जो ऑलमोस्ट ने एक्सपेक्ट किया ही था, आखिर भाई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कौन इतने आसानी से छोड़ेगा। फिलहाल तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सन्नी पाजी ने भी अपने नेक्स्ट फिल्म जाट का पोस्टर रिलीज कर दिया है, और सच बोलो तो जब पहली बार मैं इस पोस्टर को देखा था तब मुझे ये फैन मेड टाइप का ही लगा था, पर बाद में जब मैंने सोशल मीडिया और न्यूज में इसके बारे में पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, ये फिल्म एक्चुअल में इन प्रोडक्शन है। वैसे फिलहाल तो इसका बस पोस्टर ही रिलीज हुआ है, पर मैं सन्नी पाजी से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि पाजी लड्डू मोतिया से तो हम सब भी परेशान हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका फैन ही उखाड़ कर ले आए। खैर एनीवेज, सन्नी पाजी के ऊपर नो मोर जोक, क्या पता इस दिवाली को फैन की सफाई करने के लिए मेरे घर में फैन ही ना रहे। एनीवेज मूविंग अहेड, और अब एक सुपर हीरो न्यूज के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आ रहा है LCU मींस लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें वो आमिर खान के साथ कोलैब कर रहे हैं एक सुपर हीरो फिल्म के लिए। जिसके बाद वैसे तो ये डिबेट शुरू हो चुका था कि क्या आमिर खान इस एज में किसी सुपर हीरो के रूप में जचेंगे या नहीं, पर बहुत लोगों को इसके डायरेक्टर लोकेश कनकराज के ऊपर पूरा भरोसा है। उनके हिसाब से उनका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता, और वो अगर कुछ सोचकर आमिर खान को कास्ट कर रहे हैं तो भाई उन्होंने कुछ परफेक्ट प्लान भी किया होगा। और वो जब अपने फिल्म विक्रम में कमल हसन से एक्टिंग करवा सकते हैं, उनसे एक्शन करवा सकते हैं, तो फिर आमिर खान तो अभी 60s में भी एंटर नहीं किए हैं। खैर अगर आमिर खान के पास ये फिल्म आ जाती है तो सितारे जमीन के बाद ये उनकी दूसरी फिक्स फिल्म होगी। एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर होने के बाद
उनके सितारे वाकई में जमीन पे आ गए थे। पर अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही नहीं, अब वो टेक ऑफ करना शुरू कर चुके हैं। बाकियों के सितारे तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर एक एक्टर ऐसा भी है जिनकी फिल्मों को लेकर भले ही कितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें चलती रहे, पर उनके अपकमिंग फिल्म की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। नहीं नहीं, मैं यहाँ खिलाड़ी कुमार मींस अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडियन सिनेमा के बाहुबली मींस प्रभास की, जिन्होंने हाल ही में सालार 2 की शूटिंग शुरू की है और साथ ही एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी द राजा साहब भी कर रहे हैं। एक और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। वैसे सच बताऊं तो लोगों को सीक्वल एंड यूनिवर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उनकी क्वालिटी वैसे ही मेंटेन रहे और उनकी स्टोरी एक दूसरे से वेल कनेक्टेड रहे। जैसे स्त्री वाली सुपरनेचुरल यूनिवर्स और एलसीयू की स्टोरी एक दूसरे से काफी अच्छे से कनेक्टेड है। साथ ही इस लिस्ट में अब लोग प्रशांत वर्मा के भी सिनेमेटिक यूनिवर्स को ऐड करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी तक उनकी केवल एक ही फिल्म आई है, बट उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट ने लोगों के बीच इस यूनिवर्स के लिए भी इंटरेस्ट जगा दिया है। अब तक इस यूनिवर्स में अधीरा सिम्बा और जय हनुमान की फिल्में तो अनाउंस हो चुकी है, पर अब एक और फीमेल सुपर हीरो को भी इसमें ऐड किया जा चुका है, जिसका नाम है महाकाली। और इसके डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के हिसाब से ये फिल्म हनुमान फिल्म से भी काफी अच्छी होने वाली है। अब देखो भाई, ये फिल्म हनुमान फिल्म से अच्छी होगी या वर्स्ट होगी इसका पता तो हमें बाद में चलेगा, क्योंकि इस फिल्म को आने में अभी काफी टाइम है। फिलहाल तो मूवीज और सुपर हीरोज के अलावा अब अगर एक सीरियल की बात करें जिसका टीजर आते ही काफी तहलका मचा दिया, जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ CID की, जो ऑलमोस्ट 6 साल के बाद वापस आ रहा है। वैसे नोस्टैल्जिया के कारण ये इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, पर साथ ही लोग इस पे भी बात कर रहे हैं कि क्या CID का सेकेंड सीजन भी वैसा ही होगा जैसे CID का पहला सीजन था। कहीं इसमें ड्रग्स को डायरेक्ट चक कर टेस्ट करने वाला सीन तो नहीं होगा ना, मींस थोड़ा नॉन सीरियस टाइप का, या फिर इसे आज के समय के हिसाब से थोड़ा सीरियस टोन में बनाया जाएगा। पर भाई, इसके फर्स्ट लुक और इसके टीजर को देखकर तो यही लग रहा है कि यस, इसके मेकर्स ने इसे आज के समय के ही ध्यान में रखकर बनाया है। और वैसे भी सोनी को ये करना ही था, क्योंकि उसे अब न केवल टीवी के हिसाब से अपने कॉन्टेंट बनाना है, बल्कि उसे अपने OTT का भी उतना ही ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी कि क्या इस CID को वही पॉपुलरिटी मिलेगी जैसे CID 1 को मिली थी। वैसे 80s, 90s और अर्ली 2000 के लिए जैसे CID, आहट, शक्तिमान और कैप्टन व्योम की न्यूज नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग देती है, ठीक वैसे ही फीलिंग आज भी कॉमिक्स के नाम पे आता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो कभी इंडियन पॉप कल्चर का स्ट्रॉन्ग हिस्सा हुआ करता था, आज वो पॉपुलरिटी के मामले में उतनी ही वीक हो चुकी है। बट स्टिल आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना एफर्ट दे रहे हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव करने की, जिनमें से एक है दिलीप चौबे सर, जो विनबो और विनमिक्स के ऑल एज कंटेंट निकालने के बाद अब वो कॉमिक्स बनाने वालों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं। खुद का इंस्टीट्यूट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ट्रेनिंग देने के बाद अब वो 2 शानदार बुक भी लॉन्च कर चुके हैं, जो इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें ऑलमोस्ट 3000 से भी ज्यादा लाइव फिगर्स हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आर्ट टेक्निक्स हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आर्ट की प्रोसेस बताई गई है। दोनों बुक के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आप उनके चैनल में जाकर इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। सो आप में से अगर कोई भी इस बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, पर प्लीज पहले उसे कॉपी करें और ब्राउजर में जाकर पेस्ट करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब क्लिकेबल लिंक नहीं बनाता है। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आपको ये नया स्टार्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और हाँ, साथ में सजेशन भी आप दे सकते हैं कि इसमें क्या चीज मुझे ऐड करना चाहिए, क्या चीज मुझे रिमूव करना चाहिए एक्स्ट्रा। पर हाँ, सजेशन के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं जल्द ही अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।